जनवरी का महीना और बारिश का मौसम, ये हमारी कटिंग चाय बचपन में फोन पूछने की दादी। पापा मुझे मार डालेंगे। तो इधर आई हमारे पिच्चू साहब। पिच्चू को ना बाहर की सारी चीजें पसंद है। KFC पसंद है? पसंद है, ठीक है। लाइक मैं अभी एकदम मूड में हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी बॉबी। आज मैं करने वाली हूँ आई ओनली एट पोटैटो फॉर 24 आवर्स। लाइक मैं जो कुछ भी खाऊंगी मैं वो सब आलू का बना हुआ खाऊंगी। सो गाइज या इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिसिंग माय अपडेट्स। सो या लेट्स मूव टू द चैनल 24 आवर्स। तो अभी मॉर्निंग का हो रहा है 11 o'clock। लाइक अभी बज रहे 11, तो अभी मैं खाऊंगी लाइक मम्मी ने जो बनाया है, मम्मी ने बनाया है आलू की टिक्की, आलू की चाट कह सकते हो, तो वो मैं खाऊंगी अभी मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैं पता नहीं क्या खाऊंगी, वो आप कंटिन्यू वीडियो में देखना, ठीक है। चलो चलो, ओके। तो ये है मेरा आलू का टिक्की, देख सकते हो आप लोग, वेरी स्पेशल। मेरी मम्मी ने सीखा था मेरी नानी से, लाइक उनकी मम्मा से उन्होंने सीखा था, तो ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है हमारे घर में, इसको लाइक बनाते हैं। इतना बैलेंस टेस्ट है। मम्मी इस पर ना मैंगो पाउडर भी डालती है, तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है खट्टे से, खट्टा होकर। जनवरी का महीना और बारिश का मौसम, ऐसा ग्रेट कॉम्बिनेशन। आई विश आप लोग भी ये मेरे साथ खा रहे होते, बहुत टेस्टी है गाइस। पूरा आलू का, इसमें नो मटर एडेड, इसमें कोई मटर ऐड नहीं है, मतलब वो वाला जो टिक्की चाट बताशे में यूज होता है। ये हमारी कटिंग चाय। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी 24 आवर्स चैलेंज करने को, और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स और DM भी आ रहे थे कि प्लीज़ डू 24 आवर्स चैलेंज। तो अभी इधर प्रस्तुत है आपके सामने 24 आवर्स चैलेंज। इस टिक्की से बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, लाइक हम लोग बचपन में और अभी भी यही करते हैं कि हम लोग अपनी खा लेते हैं, लाइक अपने अपने प्लेट की खा लेते हैं, फिर मम्मी लेकर आती है दूसरे राउंड में, तो उसमें थोड़ा सा झगड़ा होता है किसको ज़्यादा मिल रही है, मम्मी प्यार नहीं करती, किसको ज़्यादा मिल रही है, किसको नहीं, किसको कम मिल रही है, तो वो पार्ट बहुत अच्छा होता है लाइक हमारी लाइफ में। अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इंसिडेंट्स नहीं मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा कुछ होता रहता है आपकी लाइफ में तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो शर्मा जी का बेटा का स्लोगन एक तो याद आ जाता है, इट्स अ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। या ओके गाइस, तो अभी मिलते हैं इसके बाद। अभी तो मैंने सोचा है कि अभी मैं जाऊंगी अपना बैग खरीदने, मेरे पास बैग नहीं है, मेरी छोटी वाली सिस्टर लेकर चली गई मेरा बैग जिससे मैं अपना कॉलेज जाती थी और कोचिंग जाती थी, बट आज मैं खरीदने वाली हूँ अपना नया बैग।
और उसके बाद खाएंगे फिर से कुछ पोटैटो में। अभी चलते हैं बैग लेने, ठीक है? अभी हम आए हैं बैग लेने, वो देखिए कुटकुट छुपी है, कुटकुटी साथ में आए हैं और इधर बैग लगे हुए हैं सारे। और मैंने अभी दो बैग पसंद किए हैं, जो कि है एक जिम वाला और एक है मेरा कोचिंग वाला। तो अभी इधर मैंने ये वाला बैग फाइनल किया है, वो एक वो था एक ये था, तो ये वाला मैंने फाइनल किया और इधर एक ये था एक ये था और मैंने ये वाला फाइनल किया। हम लोग आए हुए हैं बिग बाजार, इनसे पूछ लो आलू, इनसे पूछो आलू का कुछ मिलेगा? पहली बार तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ये हेजलनट फैक्ट्री में सीरियसली डोसा खाने आए, मतलब थोड़ी तो सेंस वाली बात की जाती है। तो ये पूछने भी जा रही है। ओके, कुछ आलू का मिलेगा? आलू का मिल जाएगा, वो है। आलू का क्या मिलेगा? डोसा लेने आई थी, डोसा लेने आई थी। यहाँ पे छोला भटूरा मिल जाएगा मैम? नहीं मिलेगा, हमारा आलू चलेगा ना, तो हम छोला मिलेगा वो एक पैकेट आलू का। Alright guys, अभी हो रहा है like पिच्चू इधर बैठो, ऐसे लो जल्दी बैठ जाओ ऐसे बैठो, हाँ बैठो, हाँ। ओके गाइस, तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। मैंने अभी आपको मैं अभी जब मॉल गई थी अपना बैग खरीदने, तो मैंने उधर से ये मैकडोनल्ड से पैक करा लिया था मैकालू टिक्की विद चीज और करवा लिया था फ्राइज ऑर्डर पैक। तो इधर है हमारे पिच्चू साहब, एज यू कैन सी पिच्चू साहब। ओह शिट, एक सेकेंड, पिच्चू को खाना है मैका। इनको यार यार बाहर वाली चीजें क्यों पसंद होती इतनी। बैठो बैठो, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ जाओ जाओ। ओके, तो पिच्चू थोड़ा डर रहे हैं, तो अभी खा लेते हैं हम लोग अपना ये मैकालू टिक्की। इधर है हमारे पास ये फ्राइज। ओके गाइस, तो मैं पहली बार ये कार मकबैंग कर रही हूँ, मकबैंग नहीं लाइक चैलेंज टाइप का। और इधर है मेरे पास ये मैकालू टिक्की इसी में, और ये रहा मेरा ये क्या कहते हैं सॉस। तो अभी खा लेते हैं ये फ्राइज, आलू फ्राइज।
ओके ओके गाइस, तो अभी मैं गई थी मैकडोनल्ड्स, तो मैंने उधर से ले लिया था इवनिंग का स्नैक। पिच्चू को ना बाहर की सारी चीजें पसंद है। ओ गॉड पिच्चू, ओके ओके, तो अभी ये खा लेते हैं मैका आलू टिक्की। देखिए मैंने मैका आलू टिक्की ऑर्डर किया था और वो भी है विद चीज, तो अभी खा लेते हैं। अभी मैं आपको आउटफिट अपना पूरा दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? पिच्चू लो। That's really good, good, good. अब प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना, प्लीज एक कुत्ते एक अपने पिच्चू के लिए भी ले आते मैं गा रोटेगी। अच्छा आपको क्या क्या पसंद है? केएफसी पसंद है? केएफसी पसंद है? पसंद है, ठीक है। और आज आ जाओ यहीं पर आओ। तो केएफसी के अलावा आपको क्या पसंद है? मैका आलू टिक्की पसंद है? मुग्गा पसंद है? मुग्गा मुर्गा पसंद है? खाएगा, रुक जा भी खिला दे। I just don't like tomato in my burger. अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग को और कौन से वीडियोस देखने हैं 24 आवर्स के। लाइक मैं अभी एकदम मूड में हूँ वीडियोस बनाने के, लाइक 24 आवर्स वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग बता सकते हो मुझे। मैं यही सब पसंद है। पापा मुझे मार डालेंगे, कार का सर्विसिंग आज ही हुआ और बच्चे ने पूरा गाड़ी खराब कर दिया। आया बस रुक जाओ। मेरा है भाई। ओके गाइस, तो अभी ये इवनिंग का स्नैक तो हो गया, अभी खाएंगे रात में डिनर। और इतना पोटैटो पोटैटो खा लिया, गैस बन रहा है, गैस नहीं बन रहा, पेट मोटा सा हो रहा है और मैं खुद भी पोटैटो हो गई हूँ। खाता नहीं है ऐसे मजाक के मूड में, तो खा ले। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग करेंगे रुक जाओ बच्चों,
ओके, तो अभी हम लोग करेंगे डिनर, वो किधर करेंगे और वो उसमें आलू में क्या खाएंगे, दैट वी विल डिसाइड लेटर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मौसी के यहाँ, वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे और मैं नेल पेंट लगाऊंगी इसमें ब्लू ब्लू। और मैं नहा चुकी थी, ठीक है, मैं तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मेरे को कोल्ड हो रखा है। और हाँ, अभी चलते हैं मौसी के यहाँ, उसके बाद करेंगे फर्दर शूट, ठीक है। तो पिच्चू भी बेचैन हो रहा है जाने के लिए। ओके गाइज, विल मीट यू एट डिनर। मौसी क्या, और हम लोग यहाँ पे खाएंगे आलू की पकौड़ी। और इधर मेरे साथ है मेरे डैड, मेरे पापा हैं यहाँ पे, और हम लोग खाएंगे आलू की पकौड़ी। चाय भी है, चटनी भी है, आप लोग देख सकते हो। ये पोटैटो वेजेस वाली पकौड़ी। ऑर्डर आते आते तो अभी मेरे पास है मसाला डोसा, जो कि जिसमें आलू होता है पूरा, और मेरे पास है ये हनी चिली पोटैटो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास उसको इग्नोर करते हैं, पोटैटो तो खा लेते आलू गोभी सब्ज़ी खाने का, लेकिन हम लोगों ने प्लान चेंज करके मसाला डोसा करा, क्योंकि
वो भी साउथ इंडियन में लाइक डिनर में ही आता है, डिनर में सॉरी ब्रेकफास्ट में आता है, लेकिन खा सकते हैं ना। हमारे हमारे साइड नॉर्थ साइड में तो सबको यही लगता है कि मतलब एक बैग नहीं रहे हमारे लोगों के लिए, नॉर्थ वाले लोगों के लिए। ओके, तो अभी मैं अपनी मील एंजॉय करती हूँ। लोग भी खाओ मेरे साथ, बने रहो। और हाँ, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को 24 आवर्स चैलेंज कैसा लगा। सो गाइस, या आई होप यू ऑलवेज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइस रियली एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज मेक इट थम्स अप एंड आल्सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन गो एंड चेक इट आउट। ऑल वीडियोस लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम foodie.bobby। और हाँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 24 आवर्स चैलेंज कैसा लगा। आया आपको।